أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم थक जाएंगे।
खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे हम वहां जाके वापिस नहीं आएंगे ढूंढते लोग थक जाएंगे हम वहां जाके वापिस नहीं आएंगे और गलियों में कसदम भटक जाएंगे जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी करीना बदल जाएगा सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुद ही पलकों से सजदे छलक जाएंगे सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुद ही पलकों से सजदे छलक जाएंगे जिक्र आका जहां भी किया जाएगा जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा जिक्र आका जहां भी किया जाएगा जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे ए मदीने के जाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना ए मदीने के जाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ है हम
हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صدق الله العظيم تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس پر مختلف ادوار گزرتے ہیں مختلف حالات سے یہ گزرتا ہے اور ہر انسان کی زندگی کے احوال اور حالات وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان بھی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایک کافر بھی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دونوں انسان ہونے میں مشترک ہے لیکن دونوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ایک مسلمان صاحب ایمان زندگی گزارتا ہے دین اور شریعت کی روشنی میں، ایک کافر بھی زندگی گزارتا ہے لیکن وہ اپنے خواہشات کی اتباع کر کے چلتا ہے، اس کے سامنے دین اور شریعت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ زندگی تین طرح سے ہے، یا لوگوں کے احوال کے اعتبار سے جس طرح لوگوں کی زندگی ہوتی ہے یا زندگی گزارنے کا طرز ہوتا ہے اس اعتبار سے بزرگوں نے اکابرین نے لکھا ہے کہ تین قسم کی زندگی ہے۔ ایک کہلاتی ہے نفسانی زندگی، نفسانی یا حیوانی زندگی بھی اسے کہا جا سکتا ہے، دوسری ہے انسانی زندگی، اور تیسری قسم ہے ایمانی زندگی۔ اس میں سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ ہے ایمانی زندگی۔ اب نفسانی زندگی وہ کیا ہے، انسانی زندگی کیا ہے، اور ایمانی زندگی کیا ہے؟ نفسانی زندگی یہ وہ زندگی ہے جس میں انسان اپنے نفس اور خواہشات پر چلتا ہے، خواہشات کی اتباع میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، یہ ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے اس کو حیوانی زندگی سے بھی تعبیر کیا ہے، بعض نے اس کو نفسانی زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں
कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को तीन किस्म की नेमतें दी हैं। एक है नफ्स, दूसरी है अकल और तीसरा है ये दिल, कल्ब, दिल जिसे कहा जाता है। ये तीनों अल्लाह पाक की नेमतें हैं। और ये जो नफ्स है, उलमा ने लिखा है, ये ख्वाहिशात का मरकज़ है। नफ्स ख्वाहिशात का मरकज़ है और अकल ये ख्यालात का मरकज़ है, और ये जो दिल अल्लाह पाक ने दिया है ये जज्बात का मरकज़ है। अब बात समझ में आ रही है आप हजरात को? तीन किस्म की नेमतों से नवाजा है, एक है नफ्स, दूसरा है अकल और तीसरा है दिल। और तीनों अलग अलग जो है चीज़ों से भरी हुई होती है। तो नफ्स ये ख्वाहिशात का मरकज़ है। तो नफसानी ज़िंदगी जो शख्स गुजारता है वो अपनी ख्वाहिशात पर चलता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, शीरखार बच्चा जब दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो आप देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी के क्या मामूलात होते हैं। खाना है या पीना है, दूध पीता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो खेलने लगता है। तो एक बच्चा अपनी ज़िंदगी इन तीन कामों के तहत गुजार रहा होता है, खाना पीना सोना और खेलना, और कोई बात उसकी ज़िंदगी में नहीं होती, ना कोई मसरूफियत होती है। तो वो इंसान जो अपनी ख्वाहिशात के तहत चलता है, नफसानी ज़िंदगी गुजारता है, वो भी सिर्फ इन्हीं कामों में ज़िंदगी गुजारता है। मकसद ज़िंदगी क्या है भाई? अच्छे से अच्छा खा लूँ, खाना है, पीना है, आराम करना है, सोना है, खेल कूद में, तमाशों में, इन चीज़ों में ज़िंदगी गुजारता है। और बाज़ बुज़ुर्गों ने इसको हैवानी ज़िंदगी से भी ताबीर किया है कि एक इंसान अगर अपनी मकसद हयात को नहीं पहचानता, जो आयत आपके सामने पड़ी गई उसमें अल्लाह पाक ने मकसद हयात ज़िक्र किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि जिन्न व इंस का मकसद हयात अल्लाह पाक की इबादत है, मारिफत इलाही है। और ख़ुदा न खास्ता अगर कोई इंसान मारिफत इलाही से महरूम है तो ये शख्स, इसकी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं है। ये भी चाह रहा है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर ले, खाना पीना सोना चलना फिरना, ये ज़िंदगी है। तो ये ज़िंदगी तो जानवरों की भी होती है, बल्कि बुज़ुर्गों ने, उलमा ने लिखा है कि अगर सिर्फ़ इंसान इन ख्वाहिशात के तहत ज़िंदगी गुजारता है तो इसकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि ये वो काम है जो कोई कमाल वाले नहीं है। इंसान जानवरों से अगर इसमें तकाबुल करे तो जानवर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक इंसान ज़्यादा खा पी रहा है तो जानवर से अगर मुकाबला करे तो जानवर इंसान से ज़्यादा खाता है, जानवर से ज़्यादा तो इंसान नहीं खा सकता। तो खाने पीने में अगर मुकाबला करे तो इसमें भी जानवर इससे आगे हैं। इसी तरीके से इंसान चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा आला से आला तामीरात कर लूँ, घर बना लूँ, इसमें भी जानवर परिंदे इससे आगे हो सकते हैं। आप देखते हैं ना कि बाज़ मरतबा ये परिंदे अपने घोंसले घर बनाते हैं, कुदरत का कैसा शाहकार होता है। आप शहद की मक्खी के छत्ते को देख लें तो उसकी तरतीब कैसे होती है, अजीब अंदाज पे। यह अल्लाह पाक की कुदरत है। आज हमें ये फ़ख्र है कि मैं इतने उम्दा जो है इंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, इतनी उम्दा तामीरात बना सकता हूँ। ये तो एक अल्लाह पाक की एक हकीर सी मखलूक मक्खी इसमें हमसे आगे, शहद की मक्खी। आप उसके छत्ते के जो सुराख बने हुए होते हैं उसके तनासब को आप देख लें, आपको बड़े छोटे नज़र नहीं आएंगे, हर एक का साइज़ एक होगा। आप कैसे पता चला कि साइज़ एक रखना है? वो हमसे इसमें आगे हैं, एक तरतीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, उनका पूरा एक नज़म होता है। कुरान करीम में सूरह नहल की तफसीर आप हजरात ने सुनी होगी, उसमें आप देखें ये कुदरत का एक अजीब शाहकार है ये शहद की मक्खी। तेज़ दौड़ने में अगर इंसान कहे मैं तो तेज़ दौड़ता हूँ, चीता है, शेर है, हिरन है, इंसान उनसे आगे नहीं दौड़ सकता। ताकत में इंसान कहे तो हाथी देख लें, अल्लाह पाक की मखलूक जानवर है, इंसान की ताकत उसके सामने क्या हैसियत रखती है। इंसान अगर नफसानी ख्वाहिश, या इंसान बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है जिमा, तो जानवर दिन में कई मरतबा ये काम करते हैं।
तो अगर देखा जाए इन चीज़ों को, ये जो दुनियावी उमूर हैं, मामलात हैं, खाना है, पीना है, बच्चे पैदा करने हैं, खूबसूरत घर बनाने हैं, तामीरात हैं, ये चीज़ें तो जानवर हमसे अच्छी तरह कर लेते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी दार उलूम देवबंद थे, तो हिंदुस्तान में एक फितना निकला और उसका जो बानी था दयानंद सरस्वती, वो मुनाजिरे करता था, चैलेंज करता था, लोगों को मुर्तद बनाने की मुहिम शुरू की थी। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उनके ख़िलाफ़ मैदान में आए और उनको चैलेंज किया कि आओ मुनाजिरा करें, मैं तुमसे मुनाजिरे के लिए तैयार हूँ। वो हर जगह ऐलानात करता रहा, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। हज़रत के कई मुनाजिरे हुए उससे, मुनाजिरा रुड़की है, दूसरे मुनाजिरे हैं, बहुत मशहूर हैं। तो वो कहीं पर था, किसी हुकूमती उसके मेहमान था सरकारी, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा मुनाजिरे के लिए ख़ुद तशरीफ़ ले गए उसके पास। तो जब गए वहाँ, देखा वो जो मुनाजिर था पंडित, वो बहुत लहीम शहीम, ऐसे मोटा ताज़ा ताकतवर बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत बड़ा थाल रखा हुआ था, हलवा है, पूरियां हैं, जैसे कई अफराद का खाना होता है। और हज़रत दुबले पतले नहीव जिस्म लेकिन इल्म का पहाड़ थे, तो उसने हज़रत से कहा कि आओ मुझसे खाने में मुकाबला करो, खाने में कि कौन ज़्यादा खाता है। हज़रत ने फरमाया खाने में मुकाबला तो ये, तो फिर जाके तुम जानवर से मुकाबला, भैंस से कर लो, भैंसे से कर लो, ये तो कमाल की चीज़ नहीं है खाने में मुकाबला करना। मुकाबला करना है, आओ दलाइल के मैदान में मुकाबला करें, इल्म में मुकाबला कर ले, खाने में मुकाबला ये तो इंसानी कमाल नहीं है, इसमें तो तुम भैंस से कर लो, वो तुमसे आगे बढ़ जाएगी, ये कोई कमाल की चीज़ तो नहीं है। तो मकसद ये है कि इंसान जब नफसानी ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है, अच्छे से अच्छा खा लूँ, अच्छे से अच्छा पी लूँ, घर अच्छे से अच्छा बना लूँ। आप देखते हैं ना, मैंने कहा कि ये शहद की मक्खी का आप देख ले छत्ता, बास परिंदे आप परिंदों के घोंसलों को देख लें, एक अजीब तरतीब नहीं है, तिनके जोड़ जोड़ के घोंसला बनाना, और वो ऐसा अल्लाह पाक ने देखे रहनुमाई की है, हवा आती है, आंधी आती है, बारिशें आती हैं, वो घोंसला अपनी जगह पर कायम है, वो नहीं गिर रहा, वो टूट नहीं रहा। नाजुक सी शाख पर एक परिंदे जाके घोंसला बनाता है, इंसान जितनी कोशिश कर ले नहीं बना सकता। और एक परिंदा है कि जो ज़बील उकूल में से भी आने नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक ने कैसी रहनुमाई की कि वो जाके परिंदा जो है घोंसला बना लेता है। तो ये चीज़ें तो जानवर और चरिंद परिंद भी कर लेते हैं, इंसानों से अच्छा कर लेते हैं। तो नफसानी ज़िंदगी याद रखें, ख्वाहिशात की ज़िंदगी, ये कोई बाकमाल ज़िंदगी नहीं है। और नफसानी ज़िंदगी जो है इसमें इंसान के आगे सिर्फ़ ख्वाहिशात होती है। हदीस मुबारक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलकय्यसु मन दाना नफ्सहु وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله। हकीकी अक्लमंद की दो निशानियाँ हैं कि जो अपने नफ्स को पहचान ले, नफ्स के फरेब में ना आए और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए अमल कर ले, और इसके मुकाबले में आजिज़ नादान नासमझ इंसान की भी दो निशानियाँ हैं कि मन अतबा नफ्सहु हवा, अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा दे, जो नफ्स तकाजा कर रहा है ये उस ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, और व तमन्ना अलल्लाह, अल्लाह पाक से लंबी लंबी उम्मीदें बांध रहा है कि चले भाई बख्शिश हो जाएगी, जन्नत बैठे बिठाए मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इंसान की ज़िंदगी इस तरह एक बच्चे की मानिन होती है। जो शख्स नफसानी ज़िंदगी गुजारता है, ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी गुजारता है, और फिर जब ये बड़ा होता है, कुछ समझदार होता है, बाशुरूर होता है, कुछ तालीम हासिल कर लेता है, तो फिर दूसरे मरहले में दो चीज़ें इसके दिल में और पैदा होती हैं, एक जमाल पसंदी है और दूसरा इज्तिमाईयत। जब इंसान नफसानी ज़िंदगी गुजारता है तो इब्तिदा में तो वही बच्चे की मिसाल है, जब ये बड़ा होता है फिर इसके मिजाज में क्या है, जमाल पसंदी, हर चीज़ में खूबसूरती को पसंद करता है, इसको तरजीह देता है,
ऐसा होता है ना, इंसान हुसन के पीछे भागता है, कह रही हुसन के पीछे, चाहे वो इंसानों के एतबार से है, तामीरात के एतबार से है, लिबास के एतबार से है, खाने पीने के एतबार से है, इन चीज़ों को पसंद करता है। फिर ये चाहता है कि घर भाई इसमें खूबसूरत से खूबसूरत बना लूँ, इसको आला से आला फर्निश्ड कर लूँ, इसमें दीवार का पेंट ऐसा होना चाहिए, वॉलपेपर ऐसा होना चाहिए, कालीन ऐसा होना चाहिए, फानूस ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं ना, इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। लिबास होता है तो लिबास तो आम भी इंसान पहन सकता है, नहीं भाई फला टेलर से सिलवाना है और फिर उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, वो लिबास ऐसा हो, उसका डिज़ाइन ऐसा हो, वो इस तरह का हो। आज ये सारी चीज़ें हैं या नहीं? जूते ख़रीदूँगा तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। हर चीज़ में इंसान क्या एक हुस्न और जमाल के पीछे भागता है। इन चीज़ों को इंसान पसंद करता है हर एतबार से, हर चीज़ में इंसान देखता है अच्छे से अच्छा हो। लेकिन याद रखिए, ये बाकमाल ज़िंदगी की अलामत नहीं है। खाने होते हैं तो इंसान चाहते हैं भाई खाने में फ़लाँ चीज़ हो, नई नई इजादात, नई नई वेराइटीज़। आज से आप अगर 20-25 साल पहले देख ले तो खानों की इतनी किस्में नहीं थी ना भाई। क्या भाई, सालन रोटी पकी है, आलू साल आलू गोश्त है, सब्ज़ी है, चावल है या बिरयानी है। अब देखते हैं तो सिर्फ अगर आप होटलों में जाएं तो वो जो मेन्यू कार्ड आता है उसके इतने सफ़े होते हैं कि देखने में ही इंसान को समझ नहीं आता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। तो ये कोई नई क्या इजादत तो नहीं हुई, उन्हीं चीज़ों पर तजर्बात हुए, तजर्बात किए हैं और तजर्बात करके फिर मुख्तलिफ नाम रख दिए गए हैं। ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ है, ये मखनी है, और ये जो है देसी मुर्ख की है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। पहले ही चीज़ें क्यों, अब मिजाज के अंदर जिद्दत आ गई है। अब चाहता है इंसान कि भाई नए से नया आइटम हो, ये तो पुरानी हो गई, चंद दफ़ा अगर खा लेता है कहते हैं अब कोई नई चीज़ बताओ भाई वो खानी है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, उसी तजर्बात, वही तजर्बात करके क्या है, उन्हीं चीज़ों के नए नए नाम रख दिए गए, उनके नए नाम रख दिए गए, और कोई चीज़ उसमें तो है नहीं। हमारे बुज़ुर्गों ने वाक़या लिखा कि एक मुग़ल बादशाह ने, हिंदुस्तान के एक मुग़ल बादशाह ने ईरानी शहज़ादे की दावत की और बुलाया। चूँकि बादशाह थे तो अपने जो ख़ास बावर्ची था, ख़ासुल ख़ास, उसको बुलाया और उसको हिदायत की कि भाई देखो ईरानी शहज़ादा आ रहा है, मैंने दावत की है, कोई ऐसी चीज़ बनाना कि जिसमें हमारा नाम हो जाए और उसको ये अंदाज़ा हो कि हमें उससे बड़ी मोहब्बत और ताल्लुक़ है। इंसान अपने मेहमान का ख्याल करता है और कोशिश करता है कि वो खुश हो जाए, खुश हो के वापस जाए। तो ऐसी कोई नई चीज़ होनी चाहिए कि वो हैरान भी हो, खुश भी हो जाए। उनका आप बेफिक्र रहे, वो शाही बावर्ची थे, खाने का वक्त हुआ, वो शहज़ादा आया, दस्तरखान बिछाया गया, तो उसने एक ट्रे ला के ऐसे सामने रखी जिसको ढका गया था, ऊपर से ढक दिया गया था। और जब खाने का वक्त हुआ, उनसे कहा भाई आप ही, उससे काप को, ढक्कन को उठाया गया तो उसमें से एक भैंसे का सर रखा हुआ था। भैंसा होता है ना, आप जानते हैं, कटा हुआ सर, और उसकी गर्दन से ऐसे लाल लाल रंग का खून भी निकल रहा था। उस शहज़ादा था वैसे भी नफीस तबीयत, उसको बड़ी घिन आई, तबीयत भी ख़राब हुई, बादशाह का मिजाज भी बड़ा ख़राब हुआ, गुस्सा आया और उस बावर्ची को बुलाया, कहा कि तुमने तो हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी। मैंने कहा था कि भाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जो मेहमान का अच्छे से अच्छा इकराम हो, तुमने ये हरकत की है। उसने कहा कि बादशाह सलामत आप देखे तो इनको, वो समझ गया, कहा कि ये वाकिफ़ नहीं है इन चीज़ों से शहज़ादा, आप हाथ लगाएं इसको खाएं। तो जब उसको तोड़ा तो वो, उन्होंने मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आइटमों को इस तरतीब से दिया था कि वो एक भैंसे का सर मालूम होता था, उसमें हर चीज़ अलग अलग जायके वाली थी। वो जो आँख थी वो भी खाने की कोई चीज़ थी, वो जो दांत नज़र आ रहे थे वो भी खाने की कोई चीज़ थी। आज समझना आसान है, आप देखते हैं ना केक बनते हैं, केक से आजकल मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं और बस जगहों पे तो ऐसे बनाते हैं कि वो बिल्कुल असली मालूम होती है। आपने देखी होगी ना, वो ज़ाहिर में आप देखेंगे कि वो ये बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं उसको देखकर केक बनाया जाता है, इंसान समझता है कि वो है। जैसे मोमबत्ती है, मिसाल के तौर मोमबत्ती खड़ी हुई होगी और आप उसको काटेंगे तो पता चलेगा ये केक है, वरना ज़ाहिर में नहीं पता चलेगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें उस डिज़ाइन पे बनती है कि ज़ाहिर में लगता है कि फ़लाँ चीज़ है और आप देखेंगे तो वो असल में केक होगा। तो आप यही समझ लें, तो उसमें हर चीज़ अलग अलग थी।
और वो जो खून नज़र आ रहा था वो सुर्ख रंग का मशरूब था। फिर शहज़ादे ने जब खाया तो बड़ा मज़ा आया, उसको पसंद आया और उस बावर्ची की तारीफ की। समझ में आई? तो बादशाह ने, शहज़ादे ने कहा कोई नमकीन चीज़ भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नीचे ये जो ट्रे है जिसमें रखा हुआ है ये सब नमकीन से बना हुआ है। ये इसी तरीके से वाक़या लिखा कि एक मरतबा एक बम्बई के एक ताजिर ने वायसराय की दावत की। वायसराय जो हिंदुस्तान में गुज़रा है, अंग्रेज़ की हुकूमत गुजरी है हिंदुस्तान पे कई साल, तो वायसराय हिंदुस्तान आया दौरे पर। बम्बई के एक बहुत बड़े ताजिर थे मुतमव्वल, उन्होंने अपने घर में अपने महल में वायसराय की दावत रखी। लेकिन वायसराय ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आऊँगा और सिर्फ चाय वगैरह और चाय के साथ जैसे लवाजिमात जिसे आज हम रिफ़्रेशमेंट कहते हैं बस वो होगा और मैं फिर वापसी करूँगा, खाने का वक्त नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने भी अपने ख़ास बावर्ची, उस ज़माने में इस तरह के ख़ास बावर्ची होते थे, कहा कि भाई वो वायसराय तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें बनाओ कि वक्त भी बच जाए और वो खुश भी हो जाए। वायसराय आए अपने मुकर्रर वक्त पर, वक्त के तो पाबंद थे, तो ये अपने महल में ले गए और देखा तो सामने टेबल पर एक जगह ताजमहल का मॉडल बना हुआ है, एक जगह लाल किला का मॉडल बना हुआ है, कहीं हुमायूं के मकबरे का मॉडल बना हुआ है, कहीं शहज़ादी जहारा के बागीचे का मॉडल बना हुआ है। उसको बड़े पसंद आए, बड़े खूबसूरत नफासत से बने हुए थे। कहा कि भाई ये तो हमने देख लिए, अब वक्त कम है, मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ चाय वगैरह पीऊँगा उसके साथ कुछ लवाजमत फिर वापसी है। तो उन्होंने कहा जनाब आली यही खाने की चीज़ें हैं, आप इसको देखें। तो जब उन्होंने ताजमहल को तोड़ा तो वो एक आला किस्म की बिस्किट से बना हुआ था, बिस्किट थी आला किस्म की। लाल किले के मॉडल को तोड़ा वो अलग किस्म की मिठाई थी। दूसरी चीज़ के मॉडल को तोड़ा तो वो कोई केक किस्म केक था आला किस्म का। तो इस तरह के लोग भी गुजरे हैं। तो ये कोई कमाल की चीज़ नहीं है कि ये ऐसी सिफत हो कि जिसकी बुनियाद पर ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। मैंने कहा इंसान जानवर इंसानों से इन चीज़ों में आगे हैं। तो इन नफसानी ज़िंदगी में इंसान फिर इन्हीं चीज़ों के ख्वाहिशात के पीछे भागता है कि खाने के आला से आला चीज़ें मुझे मिल जाए, पीने के लिए आला से आला मशरूबात मिल जाए, घर आला से आला हो। आप देखते हैं ना आजकल कितनी तरक्की हो गई लिबास में, जैसे मैंने अर्ज़ किया लिबास एक आम भी इंसान पहन सकता है, 1000-2000 रुपए का पूरा सूट बन सकता है। लेकिन ऐसे भी एक है, फिर ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा ये मामला है कि एक दफ़ा पहन लिया बस अब दोबारा नहीं पहनना, अब दूसरा चाहिए, दूसरा हो गया तो अब उसको फिर नया चाहिए, लाख लाख रुपए के सूट। और शादियों में हम क्या करते हैं, 5-5 लाख के सूट, 10-10 लाख के सूट। मैं शायद कम कह रहा हूँ, ऐसा है या नहीं है? हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम ने लिखा है कि मैं एक मरतबा अमरीका गया तो मुझे मेरे मेज़बान एक जगह ले गए शॉपिंग के लिए, कहा कि हज़रत आपको ले जाते हैं। तो वहाँ एक बाज़ार था, मार्केट थी, तो वहाँ जो एक सूट मिलता है सिर्फ एक टाई का, ये इतनी महंगी दुकान है कि सिर्फ एक टाई की कीमत पता नहीं कितने $100 थी। हज़रत ने लिखा है $500 या उससे भी ज़्यादा या हज़ारों में थी सिर्फ एक टाई। और कहा कि ये जो दुकान वाला है दर्जी, ये इतना मसरूफ़ है कि इससे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं या शहज़ादे हैं वहाँ के या बड़े ओहदों पर हैं, सूट तो सिलवाना अपनी जगह, वो सिर्फ मशवरा लेने भी आते हैं कि कौन सा सूट मेरे लिए मुनासिब होगा। और ये उस मशवरे की फ़ीस $1000 लेता है कि भाई आप पे ये वाला सूट अच्छा लग रहा है, हमारा तो ये नहीं है ना बस ले लिया और बना के पहन लिया। का ऐसा नहीं है भाई, सूट मुझ पे अच्छा कौन सा लग रहा है, तो इससे आके मशवरा लेते हैं। और मशवरे के लिए टाइम लेना पड़ता है, इसके पास टाइम नहीं है। शहज़ादा चार्ल्स और फलां फलां उनको कई महीनों बाद का टाइम मिलता है, और सिर्फ मशवरे की फ़ीस $1000 है, सूट की नहीं मशवरे की। ऐसे भी है, लेकिन क्या है, ईमान नहीं है ना, ईमान नहीं है, ये चीज़ें तो काम नहीं आ सकती इंसान के। चाहे हज़ारों लाखों रुपए की सूट इंसान पहन ले क्या करेगा।
تو ایک ہے میں عرض کر رہا تھا نفسانی زندگی، اور اس میں انسان پھر اس میں اور جانور میں فرق نہیں ہوتا، بس خواہشات ہی خواہشات ہے، یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ خواہش پوری ہو جائے، تیسری خواہش پوری ہو جائے، ساری زندگی انسان اس میں گزارتا ہے. دوسری قسم کی زندگی وہ انسانی زندگی ہے، اور یہ اس زندگی سے بہتر ہے، یہ پہلی زندگی سے بہتر ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی میں انسان پر کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے، عقل کا غلبہ ہے اس میں، انسان پر عقل کا غلبہ ہوتا ہے. اور عقل میں نے کہا کہ یہ خیالات کا مرکز ہے. تو انسانی زندگی یہ پہلے سے بہتر ہے، اور البتہ اس میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو انسان مخلوق سے تعریف کا طالب ضرور ہوتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی اچھائی بھی کی، اب یہ چاہے گا کہ بھئی میری تعریف ہونی چاہیے، بغیر تعریف کے کام نہیں چلے گا، میری تعریف کی جائے. اور یہ جو انسانی زندگی ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے انسان پر، دو چیزیں انسان پر زیادہ غالب رہتی ہے اس میں، ایک زن پرستی، ایک زر پرستی، دو چیزیں، زن پرستی اور زر پرستی. زن کہتے ہیں عورت کو، تو اس میں عام طور پر انسان ان چیزوں کے پیچھے پھرتا ہے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اور خوبصورتی کے پیچھے پھرتا ہے. زن پرستی جسے کہا جاتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں یہ شیطانی جال ہے، شیطان کے پاس بہت سارے جال ہے جس میں وہ انسانوں کو پھنساتا ہے. ہر آدمی کے لیے الگ الگ قسم کا جال ہے، ایک بہت مضبوط جال اس کے پاس کیا ہے؟ عورتوں کا ہے، انسان کو عورتوں کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کو. اور پھر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کہ انسان اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایسے واقعات نہیں ہوئے کہ بھئی مجھے تو اب فلاں سے شادی کرنی ہے، محبت ہو گئی ہے، بھئی مت کرو، پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے لڑکی، لڑکی نے شرط لگا لی کہ بھئی میں تو تب کروں گی جب تم اپنا مذہب چھوڑ کے میرا مذہب اختیار کرو گی. اور بعض مرتبہ بدبختی آتی ہے اور وہ کیا کر لیتا ہے، ایمان چھوڑ کر اس کا مذہب کفری مذہب اختیار کر لیتا ہے. بیسیوں واقعات نہیں ہوئے ایسے، یہ زن پرستی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک عورت کے لیے اپنا مذہب اور دین اور ایمان چھوڑ دیتا ہے، اس سے بڑے خسارے والی بات کیا ہوگی. زر پرستی کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ. حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن عبد الدینار وعبد الدرہم، دینار اور درہم کے بندوں پر لعنت کی گئی، اس پیسے کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی پیسے کے لیے انسان اپنا ایمان بھی تباہ کر دیتا ہے، بس کسی طریقے سے مجھے پیسہ چاہیے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں، پیسے کے لیے پھر میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں خیانت بھی کروں گا. بعض مرتبہ خدا نخواستہ انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے، ایمان بچانا ہے یا پیسہ بچانا ہے. تو بعض مرتبہ انسان بدبختی میں آ کے اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے پیسہ بچانے کے لیے، ایمان چلے جاتا ہے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، میں نے اس دن عرض کیا، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو بعض مرتبہ انسان کیا ہے، زن اور زر کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ دنیا پرستی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان جس فتنے کے پیچھے دیکھے گا اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی، جس لڑائی کے پیچھے، جس شر کے پیچھے، جس فتنے اور اختلاف کے پیچھے اگر آپ جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو اس کے پیچھے دنیا نکلے گی، دنیا کی محبت. دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے. پہلے بھی آپ سے عرض کر، نفس سے دنیا کا ہونا برا تھوڑی ہے، اللہ پاک کسی کو نواز دے، مال اور اسباب دے دے، برا تو نہیں ہے، لیکن اس دنیا کو دل کے اندر لے آنا، دل میں اس کی محبت کو لے آنا، یہ چیز بری ہے. ورنہ علماء نے تو مثال دی ہے نا کہ دنیا کی مثال کیا ہے،
कि दुनिया की मिसाल ये किश्ती है और पानी की तरह है ज़िंदगी की मिसाल। किश्ती जिस तरह पानी के बगैर नहीं चल सकती, इंसानी ज़िंदगी भी असबाब के बगैर तो नहीं गुजर सकती। माते ना मौलाना रूम रहमतुल्लाह, आप अंदर ज़ेर किश्ती पुश्ती अस्त, आप दर किश्ती हलाके किश्ती अस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इसकी मिसाल माल की, असबाब की और दुनिया की मिसाल किश्ती और पानी की तरह है कि किश्ती जब तक पानी के ऊपर रहेगी तो ये चलती रहेगी, पानी के बगैर किश्ती नहीं चल सकती। आप अंदर ज़ेर किश्ती पुश्ती अस्त, ये पानी के ऊपर होगी तो चलेगी, लेकिन आप दर किश्ती हलाके किश्ती अस्त, ये किश्ती पानी के नीचे आ गई, पानी इसके अंदर आ गया, ये किश्ती डूब जाएगी। ये पानी इसके चलने का बाइस भी बनता है, ये पानी इसके डबोने का बाइस भी बन सकता है, ये माल इंसान के लिए निजात का बाइस भी बन सकता है, इंसान इससे अपनी दुनिया की ज़रूरियात भी पूरी करेगा, इसको खैर के कामों में खर्च करके जन्नत भी कमाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता ये माल इंसान के दिल में आ गया फिर इंसान की हलाकत हो जाती है। तो माल की मोहब्बत ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत बड़ा फितना है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये बहुत बड़ा फितना है। तो इंसान दो चीज़ों के अंदर इसमें आमतौर पर मुबतला होता है, ज़र परस्ती जन परस्ती, ये इंसान के लिए मुसीबत का बाइस बन जाती। तीसरी ज़िंदगी वो ईमानी ज़िंदगी है, ईमानी ज़िंदगी, और ईमानी ज़िंदगी में इंसान इसका ताल्लुक दिल से है, दिल से है इसका ताल्लुक, और दिल ये तजल्लियात इलाही का मरकज़ है, दिल ये तजल्लियात इलाही का मरकज़ है। सबसे आला ज़िंदगी वो ईमानी ज़िंदगी है, सबसे आला ज़िंदगी। और उलेमा ने लिखा कि इसमें जब इंसान ईमानी ज़िंदगी इख्तियार करता है, चार सिफ़ात इसके अंदर पैदा हो जाती है, चार सिफ़ात। वो कौन सी चार सिफ़ात हैं? वो हदीस मुबारक से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। ये चार सिफ़ात पैदा हो जाती है, क्या? मन अहब्ब लिल्लाह, ये मोहब्बत करता है दुनिया में वो अल्लाह के लिए करता है, जिससे भी, अगर बीवी से भी करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, बच्चों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, माँ बाप से करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने दोस्त अहबाब से करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए। वह अब गज़ल अल्लाह, किसी से अगर बोझ रखता है, दुश्मनी रखता है, तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, ज़ात के लिए नहीं, नफ्स के लिए नहीं, नफ्स के लिए नहीं रखता, अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है। वह आता लिल्लाह, किसी को अगर कुछ देता है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, न दिखलावे के लिए, न शोहरत के लिए, न एहसान जतलाने के लिए, न बदले की तमाह की खातिर, न अपनी शोहरत और नामवरी के लिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि मेरा रब राज़ी हो जाए। वह मना अल्लाह, चौथी चीज, किसी से अगर कुछ रोकता है, नहीं देता या रोकता है, तो वो भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। ये सिफात इसके अंदर पैदा होती है जब ईमानी ज़िंदगी होती है। मन अहब्ब लिल्लाह, इसकी मोहब्बत होती है किसके लिए? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। आज हम देखें हमारी मोहब्बतें किस लिए हैं? अपने ज़ाती मकासद मफाद के लिए। किसी से अगर मेरा कोई मफाद हुआ, मैं बड़ी मोहब्बत जतलाऊंगा, जहाँ मफाद ख़त्म हुआ वहाँ ताल्लुक़ ख़त्म, जहाँ मकसद पूरा हुआ वहाँ ताल्लुक़ ख़त्म, या खुदा न खास्ता दिल में कोई गलत किस्म की ख्वाहिश है, नफसानी ख्वाहिश है, उसके तहत मैं गलत ताल्लुक़ रख रहा हूँ, ये होगा, या फिर अपना कोई मफाद और मकसद होगा। लेकिन ईमानी ज़िंदगी में क्या है? सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, आपने अंसार और मुहाजिरीन में मुआखात कायम फरमाई, भाईचारा, एक अंसारी एक मुहाजिर सहाबी को भाई भाई बनाया। तो वो ऐसी मोहब्बत थी जो क्या थी? अहब्ब लिल्लाह का मिज़दाक और मज़हर थी। सहाबा में मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं रुहमा उबैनहुम वल्लज़ीन मअहु अशिद्दा अलल कुफ्फारि रुहमा उबैनहुम, वो रुहमा उबैनहुम का मिज़दाक थे सहाबा। उनकी आपस की मोहब्बत दुनियावी मकासद और अगराज के लिए नहीं थी, वो अल्लाह की रज़ा के लिए होती थी, आपस में ताल्लुक, आपस में दोस्ती, आपस में मोहब्बत। इसीलिए जिसका अल्लाह पाक से ताल्लुक होता है, अहलुल्लाह की आपस में जो मोहब्बत होती है, वो क्या होती है? वो अल्लाह की रज़ा के लिए होती है। उसमें कोई मकसद नहीं होता, मफाद नहीं होता, कोई और गर्ज़ नहीं होती,
वो सिर्फ किसके लिए होती है? अल्लाह की रजा के लिए होती है। लेकिन खुदा ना खास्ता जहाँ पर गलत नियत आ जाए, मकसद आ जाए, मफाद आ जाए, वो मोहब्बत अल्लाह पाक के लिए नहीं होती, वो ज़ाती गर्ज़ और मकसद के लिए बन जाती। और आज अगर देखें तो यही चीज़ें हैं सारी। आप कहीं जाए, आपको ज़ाहिरी वेलकम कहा जाता है, आप किसी दुकान पर जाएँ तो वो एक कारोबारी इखलाक है। कारोबारी इखलाक अलग चीज़ है और ईमानी इखलाक अलग चीज़ है। ठीक है, वो भी अपनी जगह पर सही है, अच्छी बात है, लेकिन वो कारोबारी इखलाक है। एक ग्राहक को अपनी तरफ माइल करना, आप देखते हैं ना, एक माहिर ताजिर जो होता है, समझदार जो होता है, वो किस तरह डील करता है कस्टमर को। वैसे थोड़ी के लड़ाई झगड़ा शुरू करेगा, वो उसका इकराम करेगा, बातचीत भी करेगा। बाज़ मरतबा कोई आपस में ऐसी ज़ाती सवालात भी हो जाते हैं और आपस में एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, दोबारा वो कस्टमर उसी जगह पे जाएगा, एक ताल्लुक पैदा हो जाता है। ठीक है, अब ये तिजारती बुनियाद पर है, हो सकता है कोई अल्लाह की रजा के लिए भी रखे, अल्लाह पाक दिलों के हाल को जानते हैं, लेकिन आम तौर पर क्या होता है, ये तिजारती अखलाक होते हैं। तो मन अहब्बलिल्लाह का मिज़ाक नहीं है, लेकिन ईमानी ज़िंदगी में इंसान जो भी करता है वो अल्लाह की रजा के लिए होता है। वो ताल्लुक, किसी की मदद करना, किसी के साथ ताल्लुक और मोहब्बत रखना, ये ईमान और ईमान की बुनियाद पर होता है। दूसरी चीज़ है अब ग़ज़लिल्लाह। ईमानी ज़िंदगी में इंसान अगर किसी से क़त ताल्लुक़ करता है वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। लेकिन आज कोई ऐसा करता है? ऐसा नहीं। आज हमारी अगर नाराज़गियाँ हैं, कोई ये बता सकता है कि मेरी नाराज़गी उससे दीन की वजह से है? ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है भाई लड़ाई हो गई थी, पैसों के मामले पे इख्तिलाफ़ हो गया, रिश्ते के मामले पे इख्तिलाफ़ हो गया, मीरास पे आपस में इख्तिलाफ़ हो गया, वैसे बातचीत में तू तू मैं हो गई, इख्तिलाफ़ हो गया, या कोई भी वजह हो गई, तो ये तो अब ग़ज़लिल्लाह नहीं है, ये तो अब ग़ज़ल-ए-नफ्स है। ज़ात के लिए तो आज लड़ाइयाँ इख्तिलाफ़ बहुत हैं, लेकिन कोई इसलिए दोस्त से नाराज़ हुआ है कि भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, बात नहीं मानते हो। कोई अपने बेटे से इस बात पर नाराज़ होता है, गुस्सा होता है कि भाई आज नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, रोज़ा क्यों छोड़ दिया, दीन और शरीयत पे अमल क्यों नहीं कर रहे हो, हुलिया सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं है। ये हो सकता है कि भाई आज दुकान में ऊंच नीच कर ली, आज मैंने बेच दिया था, इसने जो है सही वो नहीं किया, आज जो है इसने पैसों में ऊंच नीच कर ली, डंडी मार ली, इस बुनियाद पे है कि निकल जाओ दुकान से, घर से निकल जाओ। लेकिन दीन की वजह से मैंने कभी ऐसा किया है? ऐसा शायद ही हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया आपने सुना, मैदान जंग में है और एक काफिर को पिछाड़ दिया, उसके सीने पे बैठ गए और खंजर निकाला उसकी गर्दन काटने के लिए। उस काफिर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक चेहरे पर थूक दिया। जब थूक दिया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे छोड़ दिया। किसी ने कहा कि ये तो अब तो बिल्कुल ही छोड़ने के लायक नहीं था, कि पहले भी ठीक है लेकिन अब तो इसने आपके चेहरे पर भी थूका। कहा इसीलिए छोड़ दिया कि पहले मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसे कत्ल कर रहा था, लेकिन बाद में इसने थूक दिया तो मेरे नफ्स का गुस्सा भी शामिल हो गया, यह भी अपनी ज़ात के लिए हो जाता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो सहाबा का हर अमल क्या था? 100% इखलास पर मबनी था। आज हमारे अमल तो है लेकिन इखलास से खाली है, हमारे अमल अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है, इखलास ख़त्म हो चुका है। चाहे किसी से ताल्लुक़ हो उस वो भी इखलास से खाली है, बस एक रस्मियात रह गई है, रस्मी ताल्लुक़, दिलों में कोई मोहब्बत नहीं है। होते ना एक ज़ाहिरी बस रख रखाव है, मुस्कुरा के खाली मिल लिया, दिल के अंदर एक दूसरे के लिए गुस्सा है, ज़ाहिरी तौर पे बस मिल रहे हैं लेकिन दिल के अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रतें हैं। इसी तरीके से अगर किसी से क़त ताल्लुक़ है तो उसमें भी कोई इखलास लिल्लाहियत नहीं है, नफसानियत ही नफसानियत है, और इसमें भी कोई ना कोई क्या है, आपस में एक दूसरे के मामलात हैं, उस वजह से हम नाराज़ होते हैं। वआता लिल्लाह, तीसरी सिफत ईमानी ज़िंदगी में होती है, इंसान जो भी करता है, किसी को कुछ देता है, लेता है, ताउन करता है, मदद करता है, साथ देता है, तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए वो अमल करता है। लेकिन आज अगर हम करते भी हैं, मुसीबत ये है कि फिर वो इखलास से खाली होता है। आज मैं किसी गरीब की मदद कर रहा हूँ, इतनी तस्वीरें उसको साथ खड़ा करके खींचूँगा,
कि वो बेचारे की कुछ इज्जत ही नहीं रहेगी। एक राशन का थैला अगर मैं छोटा सा दे रहा हूँ, 10 अफराद खड़े हुए, वो बेचारे गरीब बीच में खड़ा हुआ है। बहरहाल अमल बहुत पड़ा है, लेकिन इखलास ज़रूरी है ना। या अगर मैंने दे दिया, अब उसको वक्तन फ़ौक्तन जतला रहा हूँ, या अब मैं उसको अपना मातहत और ग़ुलाम समझ रहा हूँ। अगर उसने कुछ किया, फ़ौरन मैंने जतलाना शुरू किया कि भाई अच्छा, इतने एहसानात तुम पे कर रहा हूँ और अब तुम इस तरह कर रहे हो, फिर हम बातें शुरू कर देते हैं, मेरी बिल्ली मुझ पे मियाँ, फलां फलां फलां, इस तरह की बातें नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत जो सवाब कमाया होता है वो भी सब के सब चले जाता है, ख़त्म। सहाबा का अमल कैसे इखलास पर मबनी था, इंसान हैरान रह जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़िया आप हज़रत ने सुना होगा ना, जब खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत का वाक़िया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा गए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, सामने एक लिस्ट थी, रजिस्टर था, जिसमें मदीने की बेवाओं के, फ़ुक़रा के, मसाकीन के नाम लिखे हुए थे, और उनके सामने नाम थे कि भाई कौन किसकी मदद करता है, कौन किसकी मदद करता है। तो एक बूढ़ी अम्मा का नाम था, उसके सामने किसी का नाम नहीं था कि जो उसकी खिदमत करे। हज़रत उमर ने खामोशी से देख लिया और दिल में नियत की कि कल इससे इस बूढ़ी अम्मा की खिदमत मैं करूँगा। सुबह सुबह गए ताकि उसके घर का काम कर ले, सफाई, पानी ले आए। दरवाज़ा कटकटाया कि मैं आया हूँ खिदमत के लिए, तो उन्होंने कहा खिदमत करने वाला तो खिदमत करके जा चुका है, घर की सफाई भी कर ली, पानी भी भर के ले आया, फिर कहा कि पर्दा कर लो, चले गए। समझ में नहीं आया कौन है। अगले दिन फिर गए, फिर उसने कहा वो तो खिदमत करके जा चुके हैं, वो भी हज़रत उमर थे। तीसरे दिन और अंधेरे मुँह चले गए और जाके छुप गए घर के करीब, देखा तो कोई दबे पाँव आ रहा है। जब ये सामने गए, देखा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खुद थे, खलीफा वक्त। आप? कहा जी हाँ। तो कहा कि ये बूढ़ी अम्मा है, बेवा है, तो मैंने सोचा कि भाई इनकी ज़रूरत है मदद की, तो मैं आता हूँ, घर की सफाई, काम काज, आटा गूंदना, जो भी होता है वो सब मैं कर लेता हूँ, फिर इनसे कहता हूँ भाई पर्दा कर लो, और वापस चले जाता हूँ। अब ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा वक्त है वो कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि कर रहे हैं तो लोगों में खूब शोहरा है, चर्चा है और इश्तहारात आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, अंधेरे मुँह, किसी को पता भी नहीं, उनको भी नहीं पता, उस खातून को कि ये खिदमत करने वाले कौन है, उनको भी नहीं पता। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो अहले बैत में से है, उनके मुतालिक आता है, और बड़ी बड़े नाजुक मिजाज भी थे, बड़े खूबसूरत थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो गुसल देने वाले ने देखा उनके कंधे पे एक निशान है, सियाह रंग का, सियाह रंग का, जैसे होता है ना रस्सी अगर कि कोई यहाँ पर वज़न डाले या रस्सी, तो ज़ाहिर बात है एक दो दफ़ा में तो नहीं होता, सियाह निशान था ऐसे रस्सी का कंधे पे। पूछा भाई ये कैसे है, घर वालों ने भी ला इल्मी का इजहार किया, जिससे पूछा सब ने कहा हमें मालूम नहीं है ये निशान कैसे पड़ा। कुछ दिन गुजरे तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी बेवाएँ और मसाकीन फ़ुकरा, उन्होंने भाई ये बात की कि भाई वो कौन था जो हमारे यहाँ आता था और ख़ामोशी से पानी का मशकीज़ा लाकर पानी भर के चला जाता था, वो तो अब नहीं आ रहा। पता चला कि वो ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह थे, जो इंतहाई ख़ामोशी से जाके, जो बेवाएँ होती थी, बूढ़ी औरतें होती थी, इस तरह तो उनके घरों में पानी पहुँचाते थे मशकीज़े में, तो वो जो पानी का मशकीज़ा यहाँ लटकाते थे, चूँकि जिस्म नरम व नाजुक था तो रस्सी का निशान यहाँ पड़ गया था, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं किया। आज थोड़ी बहुत हम किसी की खिदमत कर लेते हैं, फिर उसके नाक में दम कर देते हैं, जतला जतला के उसका जीना दोबर कर देते हैं, और वो ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं इसकी मदद ही न लेता तो अच्छा था। आज इस तरह है या नहीं? तो मन आता लिल्लाह, ये ईमानी ज़िंदगी का तकाजा है, जो करना है भाई अल्लाह की रज़ा के लिए करो, तब फ़ायदा है, वरना बेकार है। वमन अलिल्लाह, अगर किसी से कुछ रोकना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। आज ये चीज़ें भी ज़ात के लिए है ना, मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूँ, कल को अगर ज़रा से मिजाज ऊँच नीच हो गया मामलात में, मैंने कहा आज के बाद तो एक पाई नहीं दूंगा, कल को ज़रा सा मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ उसने काम किया, मैंने कहा भाई अब तो नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारे साथ तआवुन नहीं होगा। आप देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसी शख्सियत है। जब वाक़े इफ़्क़ हुआ, वो तफसीलात आप हज़रत जानते हैं, तो मिस्ता हज़रत मिस्ता गालिबन इनके रिश्ते के भांजे लगते थे,
और ये उनके साथ बड़ा ताउन करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाने वालों में कुछ हिस्सा ही हज़रत मिस्ताह ने भी लिया था, मुसलमान थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बाद में जब पता चला, हज़रत आयशा की बरात अल्लाह पाक ने कुरान में नाज़िल फरमाई, इन्नल लज़ीन जाओ बिलिफ्क उसबतुम मिनकुम, बहुत तफसीलात है। तो पता चला कि भाई इसमें तो ये हमारे भांजे भी शामिल हैं, और ज़ाहरी बात है कि बच्ची का मामला होता है, इंसान इस मामले में बड़ा हसास होता है। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम मिजाज और शफीक थे, लेकिन बच्ची का मामला था, तबीयत पे बोझ आ गया, कसम खाई कि आइंदा इनके साथ तआवुन नहीं करूँगा। देखा जाए तो बात भी ऐसी थी ना कि इन्होंने भी हिस्सा लिया हज़रत आयशा पर तोहमत में। लेकिन क़ुरान करीम में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, आयत नाज़िल फरमाया, वला यातल उलुल फज़ल मिनकुम वसअत अन यूतु उलिल क़ुरबा इला आखिरी, कि जो फजल वाले होते हैं वो अपना वो रोकते नहीं है फजल। अल्लाह पाक ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई कि फजल वाले लोग जो होते हैं वो इस तरह का की बात नहीं करते। तो अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुला कर ये आयतें सुनाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आइंदा मैं अपनी वो बात वापस लेता हूँ, मैं इनकी मदद करूँगा, बल्कि ख़र्चा दुगना कर दिया। आज हम ये करते हैं, किसी के साथ अगर चलें कुछ ताउन हो रहा है, ज़बानी कलामी हो रहा है, माली हो रहा है, किसी और एतबार से हो रहा है, ज़रा सी बात हुई, ये तो बहुत बड़ा वाक़िया था, वैसे ही उसने बेचारे ने कोई ऊंची आवाज़ से बात कर ली, किसी दिन सलाम नहीं किया, अब तो वही नहीं है भैया, अब तो इसके साथ कुछ भलाई करनी ही नहीं है। तो मकसद ये, इसका मतलब ये, मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा था, इसीलिए तो मैं मना कर रहा हूँ, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए था फिर तो मैं मुझे करना चाहिए ना। पता चला कि ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए था ही नहीं, तभी मैं बंद कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए होता तो फिर मैं ऐसी बात नहीं करता। तो आज ये चारों सिफात पैदा करने की ज़रूरत है। और हैवानी ज़िंदगी जैसे बात हुई, वो तो हैवानी ज़िंदगी है, नफसानी ज़िंदगी है, वो एक मुसलमान की ज़िंदगी थोड़ी है कि मकसद ज़िंदगी सिर्फ खाना पीना ख्वाहिशात पूरी करना हो। और इंसानी ज़िंदगी भी बाकमाल ज़िंदगी तो नहीं है कि इंसान अच्छा कर भी रहा है तो फिर सिले की तमन्ना रख रहा है, अपनी तारीफ चाह रहा है कि लोग वाह वाह करें, मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, ये सब दुनिया में रह जाएगा। असल कमाल ईमानी ज़िंदगी है, जो भी अमल करना है इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए करे, ताकि ज़खीरा आखिरत हो, कम अज़ कम आखिरत के लिए अमल तो हो। तो अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको सही अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह मशाइख की खदमात शरीफा पढ़े जाएंगे, साथी कार्ड सामने रख लें, जिनको कार्ड चाहिए तो वो हाथ उठा लें, कार्ड वसूल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں। بسم الله الرحمن الرحيم। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। एक مرتبہ درود شریف پڑھ لیں। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। एक मरतबा सूरह इख़लास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। एक مرتبہ درود شریف پڑھ لیں। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।
سات مرتبہ پڑھ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، سات مرتبہ پڑھ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، سات مرتبہ پڑھ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، سات مرتبہ پڑھ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، سات مرتبہ پڑھ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات، سات مرتبہ پڑھ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، سات مرتبہ پڑھ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تین مرتبہ پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید، تین مرتبہ پڑھے، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید، تین مرتبہ پڑھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تین مرتبہ پڑھے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تین مرتبہ پڑھے، یا لطیفا بخلقہ، یا علیما بخلقہ، یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ، یا علیما بخلقہ، یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تین مرتبہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تین مرتبہ پڑھے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تین مرتبہ پڑھے، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تین مرتبہ پڑھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خبر اثر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء اکرام صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ کو اپنے تمام مشائخ کو اعزاء اقارب کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر جاہری کریں گے جو ذکر جاہری اعتدال کے ساتھ ہو کہ اتنی آواز اونچی نہ ہو کہ مسجد میں شور کی کیفیت پیدا ہو اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ اپنے کان تک آواز نہ جائے بلکہ اعتدال کے ساتھ ہو پھر انشاءاللہ اس کے بعد مراقبہ ہوگا اور دعا ہوگی لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے یعنی ذکر خفی تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں دل کی طرف متوجہ ہو جائیں آنکھوں کو بند کر لیں زبان کو تالو سے لگا لیں اپنے دل کو خیالات سے یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں
मेरे दिल में समा रहे हैं और उसकी बरकत से मेरे दिल से गुनाहों का जंग जुलुमात मैल कुचैल दूर हो रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन से आवाज़ आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना है, इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना। कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना, कभी दिल सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या तेरी राह
رحمتوں کا صدقہ میرے جرم عفو کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں لیکن اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ آئندہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے جتنے مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے جو صاحب اولاد ہیں اللہ سب کی اولاد کو نیک صالح بنا دے اے اللہ ہماری اس مسجد مدرسہ اور یہاں جتنے شعبے ہیں اے اللہ سب میں خوب برکتیں اور رحمت ترقیات نصیب فرما دے اخلاص کی دولت نصیب فرما لے اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً ہمارے والدین اساتذہ کرام دوست اخباب مشائخ جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کہ جیسے کل انشاءاللہ 27ویں شب ہوگی تو کل 27ویں شب کا جو بیان ہوگا اس کے بعد اور 29ویں شب کے بیان کے بعد انشاءاللہ بیعت کی ترتیب بھی ہوگی تو جو ساتھی سلسلے میں داخل ہونا چاہیں بیعت ہونا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب کل 27ویں شب اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 29ویں شب کو بیعت کی ترتیب بھی ہوگی